स्वागत है आपका चैनल में, सभी को नमस्कार। आज हम सुनेंगे मंगलवार की व्रत कथा तथा मंगलवार की कथा। पहले जानते हैं मंगलवार की व्रत कथा। एक ब्राह्मण दंपत्ति के कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण पति पत्नी दुखी थे। वह ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा हेतु वन में चला गया। वह पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना प्रकट किया करता था। घर पर उसकी पत्नी मंगलवार का व्रत पुत्र हेतु किया करती थी। मंगल के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। एक बार कोई व्रत आ गया, जिसके कारण ब्राह्मणी भोजन ना बना सकी। तब हनुमान जी को भी भोग नहीं लगाया। वह अपने मन में ऐसा प्रण करके सो गई कि अब अगले मंगलवार के दिन तो उसे मूर्छा आ गई। तब हनुमान जी की उसकी लगन और निष्ठा को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे दर्शन दिए और कहा, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। मैं तुझको एक सुंदर बालक देता हूँ, जो तेरी बहुत सेवा किया करेगा। हनुमान जी मंगल को बाल रूप में उसको दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो गए। सुंदर बालक पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी ने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण वन में लौटकर आया। प्रसन्नचित बालक को घर में कहीं क्रीड़ा करते देखकर वह ब्राह्मणी पत्नी से बोला, यह बालक कौन है? पत्नी ने कहा, मंगलवार के व्रत से प्रसन्न हो हनुमान जी ने दर्शन दे मुझे बालक दिया। पत्नी की बात छल से भरी जान उसने सोचा, यह कुलटा व्यभिचारिणी अपनी कलुषता छिपाने के लिए बात बना रही है। एक दिन उसका पति कुएं पर पानी भरने चला तो पत्नी ने कहा कि मंगल को भी साथ ले जाओ। वह मंगल को साथ ले गया। उसको कुएं में डालकर पानी भरकर वापस घर आया तो पत्नी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तब भी मंगल मुस्कुराता हुआ घर आ गया। उसको देख ब्राह्मण आश्चर्यचकित हुआ। रात्रि को उसके पति से हनुमान जी ने स्वप्न में कहा, यह बालक मैंने दिया है, तुम पत्नी को कुलटा क्यों कहते हो? पति यह जानकर हर्षित हुआ। फिर पति पत्नी मंगल का व्रत रख अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करने लगे। जो मनुष्य मंगलवार व्रत कथा को पढ़ता है या सुनता है और नियम से व्रत रखता है, उसके हनुमान जी कृपा से सब कष्ट दूर कर देते हैं तथा सर्व सुख प्राप्त होता है। अब जानेंगे मंगलवार की कथा। इसे मंगलवार तथा मंगलिया की कथा कहते हैं। एक बुढ़िया थी। वह मंगल देवता को अपना इष्ट देवता मान सदैव मंगल का व्रत रखती और मंगल देव का पूजन किया करती थी। उसका एक पुत्र था जो मंगलवार को उत्पन्न हुआ था, इस कारण उसको मंगलिया के नाम से बोला करती थी। मंगल देव के दिन न तो घर को लीपती और न ही पृथ्वी खोदा करती थी। एक दिन मंगल देवता उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए उसके घर में साधु का रूप बनाकर आए और द्वार पर आवाज दी। बुढ़िया ने कहा, महाराज क्या आज्ञा है? साधु कहने लगा कि बहुत भूख लगी है, भोजन बनाना है, इसके लिए तू थोड़ी सी पृथ्वी लीप दे तो मेरा पुण्य होगा। यह सुन बुढ़िया ने कहा, महाराज आज मंगलवार की व्रती हूँ, इसलिए मैं चौका नहीं लगा सकती। कहो तो जल का छिड़काव कर दूं, उस पर भोजन बना ले। साधु कहने लगा कि मैं गोबर से लीपे चौके पर खाना बनाता हूँ। बुढ़िया ने कहा, पृथ्वी लीपने से सिवाय और कोई सेवा हो तो मैं कुछ करने के वास्ते तैयार हूँ। तब साधु ने कहा कि सोच समझकर उत्तर दो, जो कुछ भी मैं कहूँ सब तुमको करना होगा। बुढ़िया कहने लगी कि महाराज पृथ्वी लीपने के अलावा जो भी आज्ञा करेंगे मैं उसका पालन अवश्य करूंगी।
बुढ़िया ने ऐसा 3 बार वचन दे दिया। तब साधु कहने लगा कि तू अपने लड़के को बुलाकर औंधा लिटा दे, मैं उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया चुप हो गई। तब साधु ने कहा, बुला ले लड़के को, अब सोच विचार क्यों करती है। बुढ़िया मंगलिया मंगलिया कहकर पुकारने लगी। थोड़ी देर बाद लड़का आ गया। बुढ़िया ने कहा, जा बेटे, तुझको बाबा जी बुलाते हैं। लड़के ने बाबा जी से जाकर पूछा, क्या आज्ञा है महाराज। बाबा जी ने कहा कि जाओ अपनी माता जी को बुला लाओ। तब माता आ गई। तो साधु ने कि जाओ अपनी माता जी को बुला लाओ तब माता आ गई तो साधु ने कहा कि तू ही इसको लिटा दे। बुढ़िया ने मंगल देवता का स्मरण करते हुए लड़के को औंधा लिटा दिया और उसकी पीठ पर अंगीठी रख दी। कहने लगी कि महाराज, अब जो कुछ आपको करना है कीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। साधु ने लड़के की पीठ पर रखी हुई अंगीठी में आग लगाई और उस पर भोजन बनाया। जब भोजन बन चुका तो साधु ने बुढ़िया से कहा कि अब अपने लड़के को बुलाओ, वह भी आकर भोग ले जाए। बुढ़िया कहने लगी कि यह कैसे आश्चर्य की बात है कि उसकी पीठ पर आपने आग जलाई और उसी से प्रसाद के लिए बुलाते हैं। क्या यह संभव है कि अब भी आप उसको जीवित समझते हैं? आप कृपा करके उसका स्मरण भी मुझको न कराइए और भोग लगाकर जहाँ जाना है जाइए। साधु के अत्यंत आग्रह करने पर बुढ़िया ने ज्यों ही मंगलिया कहकर आवाज लगाई, त्यों ही वह एक ओर से दौड़ता हुआ आ गया। साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा कि माई, तेरा व्रत सफल हो गया। तेरे हृदय में दया और अपने इष्ट देव में अटल श्रद्धा है, इसके कारण तुमको कभी कोई कष्ट नहीं पहुंचेगा। तो यह थी मंगलवार की कथा। मुझे जरूर बताइएगा आपको सबको कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सभी को शेयर करें। हर हर महादेव।